तो गाइस यार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ रही है मेरी सिर्फ 51 की जो MS है, ठीक है, पिन है और काफ़ी ज़्यादा सही आ रही है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो आपकी 999 आपकी पिन ही आती है। आप देखना धीरे धीरे जो मेरी पिन है भाई, देखना बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, 300 की आने लगी है। एंड यहाँ पर देखना 400 की आई, 500 की आई, एंड ये देखो 990, मतलब 999 प्लस मेरी पिन आ चुकी है रेड में। और ये देखो कोई भी मैं जो भी मटेरियल है मैं पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद यार ये देखो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई भी बंदा मार के जा सकता है और मेरी देखो पिन अभी भी गड़बड़ है। एंड मेरा नेटवर्क भी भाई काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, एंड पिन काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो पिन हाई प्रॉब्लम है आपकी वो कभी भी नहीं होगी। एंड कुछ स्टेप्स मैं आपको कुछ टिप भी दूंगा, एंड उसके बाद एक चीज़ भी बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स जिनको करने के बाद आपका जो भाई पिन हाई है ना फ्री फायर में कभी भी नहीं होगी। तो आज के वाले वीडियो को एंड तक देख लेना, अगर एंड तक देख लिया तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखो थोड़ी बहुत पिन कम आई, एंड फिर देखना फिर वही तेज आने लगेगी। तो चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम का फिक्स आउट ले पाओगे। बट उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, बाय द वे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के वाले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना बस मेरी बातों को। मेरा मतलब है जो मेरी बातें तो सुनोगे और देखोगे मैं जो बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो ये 3G चल रहा है, बाकी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, स्टॉप करके। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो जो मैं आइडिया की सिम को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब VI, ठीक है, VI एंड मैं जियो यूज़ करता हूँ, दो मेरे पास सिम कार्ड है, ठीक है। अब भाई देखो दो में से जो मेरा आइडिया है यहाँ मेरे घर के अंदर जिस जगह मैं वीडियो बनाता हूँ एंड अभी गेम प्ले कर रहा था उस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं चलता है। अब देखो ये ठीक इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये देखो अब LTE हुआ है तो मेरा नेट सही चलने लगेगा, एंड 3G हो जाता है तो भाई मेरा नेट घटिया चलने लगता है एंड मेरी पिनहाई आने लगती है। अब आपको देखो फ्री फायर में क्या करना है, फ्री फायर पर क्लिक करके FNFO में जाना। बस भाई मैं जो बता रहा हूँ भाई कसम से इस वाली वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देख नहीं पाओगे आप, एंड उसके बाद यार आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप फ्री फायर का पहले क्लियर कैच कर देना, ठीक है, जी हाँ इसको कर देना ताकि बग्स जो रहते हैं भाई वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इसको इतना काम कर लेना, उसके बाद इसको हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर को जैसे ही ओपन करोगे वैसे ही आपको ना यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है भाई FFVPN, ठीक है। अब ध्यान से देखना वीडियो को, आपको FFVPN को प्ले स्टोर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो FFVPN थ्रू फास्ट आपको नीचे देखने को मिल रहा है, आपको सिंपल तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल बटन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देना। अब ये FFVPN सुपर फास्ट ये देखो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इसको होने देते हैं। बाकी देखो यार मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप जियो का सिम यूज़ करते हो एंड BSNL हुआ, एयरटेल हुआ, तो भाई वैसी जगह पर खेला करो। मैं सच बता रहा हूँ भाई यही प्रॉब्लम है, बस एक ही जो फिक्स आउट है कि आप ना ऐसी जगह पर बैठकर खेला करो जिस जगह पर नेटवर्क सही आए। अब हाँ मुझे मालूम है काफ़ी बंदे को भाई ये अजीब लगेगा, बट हाँ जिस जगह पर नेटवर्क आता उसी जगह पर खेला करो, मुझे मालूम कमरे में कई बार नहीं आता है। आप इस VPN को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, अलाउ कर देना, ठीक है। आप कनेक्टिंग ये देखो चल रही है, आप इस पर क्लिक करना, लोडिंग सर्वर डाटा, तो यहाँ पर मैं डिसमिस कर देता हूँ क्योंकि अभी लोड हो रहा है भाई, ठीक है, ये डाटा जो है भाई जो सर्वर्स है वो भाई अभी जो रिफ्रेश हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखो FFVPN है ये खुद, एंड यहाँ टर्निंग पर ये देखो वो कनेक्ट हो रहा है भाई, ऊपर आ चुका है कुछ कुछ, ठीक है, इसका साइन इन, और अब इसको कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट कर सकते हो, ये देखो कनेक्टिंग हो रही थी, एंड अभी इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखो कनेक्टिंग हो चुकी है। एंड अभी मुझे बाहर आना है, फिर फ्री फायर को ओपन करना है, ठीक है। अब ID बैन भाई इससे तो नहीं होगी मुझे मालूम है, ठीक है, मैं क्योंकि मैं भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो ये हुआ भाई जो काफ़ी ज़्यादा जिनका नेटवर्क भी सही है एंड उनके में ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए था, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अब जैसे कि आपको मालूम होगा फ्री फायर इंडिया में बैन है, बस मैक्स चल रहा है, फिर भी इसके सर्वर्स इतने अच्छे चल रहे हैं, फिर आप समझ सकते हो कि एक ही प्रॉब्लम है भाई जो भी हर बंदे के साथ होती है, वो होता है भाई अपने मोबाइल डाटा पर, ठीक है। अगर कोई बंदा वाईफाई से खेलेगा भाई उसकी कभी पिनहाई नहीं आएगी मुझे मालूम है, एंड जो बंदा भाई अपने मोबाइल नेटवर्क से खेलता है जैसे कि आप समझ लो कोई भी सिम से, जैसे जियो हुई, एयरटेल हुई, VI हुई, एंड उसके बाद अदर्स जो भी सिम है, एंड उनसे अगर प्ले करता है भाई देखो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये देखो एक झटके में मेरा गेम सही चलने लगा है और आप देख सकते हो, अभी मैं बताता हूँ मेरी पिन भी सही चल रही है, ऊपर भी पिन कनेक्ट है, ठीक है। तो ये भाई फास्ट VPN है तो फास्ट अपना नेट कर देता है, तो इसका यूज़ कर सकते हो, ये देख सकते हो मेरी पिन है भाई जो काफ़ी ज़्यादा सही दिख रही है,
एंड मैं सच सच रियलिटी बताऊँ, मैं भी फ्री फायर को बहुत कम खेलता हूँ। बहुत क्या भाई, अभी तो लगभग हो चुका है भाई 1 साल एक भी मैच नहीं खेला, बस मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। और आप समझ सकते हो भाई, मैं मतलब ज़्यादा नहीं खेलता हूँ। और ये इस पर जो मैंने वीडियो में बताया हूँ भाई, इससे आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड होती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, बाय द वे आप चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय।